मैं ये कहना चाहूँगा कि ये अभियान राहुल, ऑपरेशन राहुल 80 घंटों से निरंतर जारी था और शायद हम उस पॉइंट पे पहुँच चुके हैं जहाँ हम सबके चेहरे पे शीघ्र ही मुस्कान हो पाएगी, आ पाएगी, उस स्टेज पे हम आ चुके हैं। सर अभी तक क्या स्थिति बताई जा रही है राहुल की, जितना आप मॉनिटर कर रहे हैं? देखिए राहुल की स्थिति, एक एक छोटा बच्चा जो पिछले 3 दिनों से एक छोटे से शॉप पड़ा हुआ है, तो ये कहना गलत होगा कि उसका हेल्थ परफेक्ट है, उसका हेल्थ कम्प्रोमाइज है। बट दोपहर में प्रातःकाल वो बहुत अच्छे कंडीशन में था, वो हमारे जो टीम के साथ में मनोरंजन भी कर रहा था, खेल रहा था, और दोपहर में थोड़ा वो काफ़ी सुस्त हो गया था। बट शाम को जब डॉक्टर्स ने चेक किया है, मॉनिटर से चेक कर रहे हैं और ऑक्सीजन लेवल को चेक कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से उसका ऑक्सीजन इनटेक बढ़ा था, तो पहले से बेहतर कंडीशन में गया था। बट वीकनेस उसके अंदर है, तो यही बात है कि हम उसको जल्दी जल्दी वहाँ से निकाल के जो जरूरी मेडिकल ट्रीटमेंट है, हेल्प है, उसको देना चाह रहे हैं। सर सीएम भूपेश बघेल लगातार आपसे वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, किस तरीके से इस चीज़ को आप देख रहे हैं? ये बहुत अच्छी बात है। हम सब अपनी ओर से लगन से काम कर रहे हैं, बट हमारे प्रदेश के मुखिया यदि हमको मॉनिटर कर रहे हैं और समय बेसमय हमसे पूछ रहे हैं कि आपकी कोई और ज़रूरत हो, हम अपनी ज़रूरत बता रहे हैं, उसको तत्काल वो पूरा कर रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है। इससे ना सिर्फ हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ती है, बल्कि ये एहसास भी होता है कि हमारा मुखिया भी इस अभियान राहुल में, ऑपरेशन राहुल में पल प्रतिपल साथ है और हर पल की जानकारी ले रहे हैं। सर हम कितने नज़दीक हैं और कितना समय और लगभग लग? मैं इस मामले में ये कहना चाहूँगा, मैं खुद नीचे गया था और मैंने वहाँ पूछा है, वो अपने जो वर्क स्पेस है टनल के अंदर में थोड़ा कम होता है, वो चिप इन कर रहे हैं, मटेरियल को बाहर निकाल रहे हैं, मैनुअल कर रहे हैं, तो जल्दी ही ये पूर्ण होगा ऐसा मेरा मानना है। कि इस पूरे ऑपरेशन में कई सारी क्रिटिकलिटीज़ थी और उसको मद्देनज़र रखते हुए ऐसे ऑफिसर को लगाया गया जो बेहतर सेंसिटिव हैं और जो चीज़ों को अच्छे से टैकल कर सकते हैं और जो लंबे समय तक ड्यूटी कर सकते हैं, ऐसे अधिकारियों को लगाया गया है और लगभग 150 के आसपास ऑफिसर इसमें लगे, ऑफिसर और कर्मचारी, और सभी ने मुस्तैदी से ड्यूटी किया है। इसको सिर्फ ड्यूटी के रूप में नहीं बल्कि एक मिशन के रूप में इस पूरे कार्य को अंजाम दिया है और उम्मीद है कि राहुल को हम सकुशल निकाल पाने में सक्षम रहेंगे। सर कितने नज़दीक राहुल तक पहुँच चुके हैं? जो मेन शाफ्ट है वहाँ तक लगभग पार्टियाँ पहुँच चुकी है। अब जिस मेन शाफ्ट को कनेक्टिंग शाफ्ट बनाया गया है वहाँ पे कुछ पत्थर है, उसको ट्रेंचिंग का काम चल रहा है। जैसे हैवी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है, हैवी पुलिस का बहुत बल लगा हुआ है। आप देख रहे हैं कि जो ट्रेंच खोदा गया है लगभग 70 फीट के आसपास है और यदि इसमें किसी को भी चोट लग जाती है तो वो चोट फैटल हो सकती है। इससे आप देखेंगे कि इसमें बैरिकेडिंग भी लगाई गई है और साथ ही स्टॉपर और कोन भी लगाए गए हैं, तो लोगों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना जरूरी है, परिजनों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना है जरूरी है, इसलिए सारी व्यवस्थाएं ज़्यादा बड़े पैमाने पर की गई है। सर सीएम साहब भी आपसे लगातार बात कर रहे हैं, सीएम साहब ने पूरी टीम की हौसला अफजाई की है और बधाई भी दी है और उनकी शुभकामनाएं हैं कि ये ऑपरेशन जल्द से जल्द पूरा हो और उम्मीद करते हैं कि ऑपरेशन जल्द समाप्त होगा। सर कितना फोर्स डिप्लॉय किया? लगभग 150 के आसपास बल डिप्लॉयड है जिसमें आईपीएस ऑफिसर से लेकर कांस्टेबल तक है, अलग अलग रैंक के अधिकारी हैं। इसके अलावा रायपुर, बिलासपुर, कोरबा और रायगढ़ के भी अधिकारी शामिल है, तो इस प्रकार से आसपास के जिलों से भी मदद ली गई है। ऑलमोस्ट 4 डेज हो रहे हैं, यदि डेज को देखें तो राहुल स्टेबल हैं और सांसें स्थिर हैं, जैसा मुझे सिविल सर्जन ने अभी थोड़ी देर पहले बताया है, स्टेबल है, कॉन्शियस है, वो खाने की मांग अपने इशारों में जैसा वो करता है उस तरह कर रहा है, पर चूंकि पिछले कुछ कल से उसने अभी तक खाया नहीं है तो थोड़ा कमज़ोर है, बट ही इज स्टिल इन दैट कंडीशन। सर कुछ खाया नहीं तो उसके बाद में कहते उसमें लिक्विड फॉर्म में कुछ गया है ऐसा कुछ, या जो इंजेक्टेबल स्टार्टिंग में दे रहे थे उस डेप पे किसी भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट को डाल पाना पॉसिबल नहीं होता है। इसके पहले जब भी हम उसको देते थे अपने हाथों से वो निकल करके केव से कैविटी से लेता और उसको खा लेता था या पी लेता था। अभी उसने अपने आप को कैविटी के अंदर पे डाल लिया है, तो हमारी कोशिशें लगातार देसी जुगाड़ से भी हम कोशिश कर रहे हैं
कि उसको कैविटी के अंदर में किसी चीज़ को छोड़ दें ताकि उसको खाने पीने लग जाए, पर उसमें कामयाबी नहीं मिल पा रही है। सर, रेस्क्यू ऑपरेशन में हम अभी कहाँ तक, रेस्क्यू ऑपरेशन में फंसने की बात नहीं है। रेस्क्यू ऑपरेशन में जो आखिरी जो सिरा है, मैं पहले भी कर रहा हूँ, जैसे मुझे NDRF के लोग और बाकी लोग बता रहे हैं कि एक चट्टान है, बहुत बड़ा चट्टान है जो छोटा मोटा पहाड़ जैसा ही है, वो पहाड़ शुरुआत से टनल के गेट से ही वो हमारे साथ आगे पड़ा है। हम सोचते रहे कि इसके बाद में हमको वर्किंग स्पेस मिलेगा, उसको तोड़ते 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 हम लोग 17-18 फीट पे पहुंच चुके हैं, उस आसपास ही है। चूँकि अंदर पे जो वर्किंग एरिया है काफ़ी कम हो जाता है, एक साथ दो जवानी काम करते हैं हम, आप देखे होंगे हमने मशीनों को स्टिल डिप्लॉय करके रखा है, तो मशीनों की सहायता से फिर मलबे को मैन्युअली हमको बाहर निकालना पड़ता है। कुछ जगह पे जो मॉडस ऑपरेंडी है कि लोग पर्सनली जाके वहाँ काम करते हैं, जो पत्थर का वहाँ नेचर बता रहे हैं कि सेमी ग्रेनाइट ग्रेनाइट के बीच का है, उसको तोड़ने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, और वही हमारे राहुल को बचाने में भी कामयाब रहा, क्योंकि उसी पत्थर से बने हुए एक कैविटी पे बैठा हुआ है, तो वो उसका रक्षक भी है और हमारे और उसके बीच का दुश्मन भी है। सर, कितना थिक और बचा होगा पत्थर? जैसा मुझे प्राइमरीली बता रहे हैं, बेसिकली 1-8 फीट थिक वो पत्थर है, तो डेप्थ तक जैसे जाएंगे तब पता चलेगा। उसको निकालने के बाद में पीछे लूज सॉइल है, ऐसा इनका प्रेडिक्शन है। यदि हम आशा भी करते हैं कि ये ऐसा ही होगा, तो एक फिट 1.5 फिट जो भी हो सकता है, इट्स जस्ट प्रेडिक्शन, वो दीवार है, उसको तोड़ने की कोशिश हो रही है। उसके बाद में समवेयर वहीं आस पास पे वो कैविटी हमको मिल जाएगी। सर, मोस्ट लाइकली मतलब इवनिंग तक उसको इवैक्यूएट कर लिया जाएगा, रेस्क्यू कर लिया जाएगा, कोशिश वही है, एट द अर्लीस्ट की कोशिश है, और आप लोग की दुआ साथ है, हम कोशिश यही करेंगे कि एट द अर्लीस्ट उसको निकाल लें। थैंक यू। दिखाओ, बच्चे को दिखाओ, एक बार।
बिल्कुल निकाला, बच्चा स्टेबल है, सबने आपने देखा अच्छे से हमने उसको हॉस्पिटल भेज दिया। एनडीआरएफ सदा अजय, एनडीआरएफ सदा अजय, भारत माता की जय। छत्तीसगढ़ के इतिहास का ये अब तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन था जी, बिल्कुल आप लोगों ने सबने देखा, कहीं कोई चीज छुपी नहीं हुई है। 63 फुट के धरती के गर्भ से निकाल के लाए हैं बच्चे को, चट्टानों के बीच से, कितना चैलेंजिंग था आप लोग को सबको पता है। थैंक यू सर। बैटरी लगा रहा हूँ ना, 6.2% सर। 100 घंटे से बड़ी एक जंग चल रही है, वो जंग को आपने जीत लिया। हमने जीत लिया, हमारी टीम ने जीत लिया, आप सभी दर्शकों की दुआओं ने जीत लिया। शब्द नहीं, आप आतिशबाजी भी देख सकते हैं, सबके चेहरे मुरझाए हुए थे। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इस जंग में एक एक बहुत बड़ा सच था जिसको मैंने खुद छुपाए रखा था। आप अब उस सच को बताने मुझे कोई गुरेज नहीं है कि उस दिव्यांग बच्चे के साथ में, उस हमारे राहुल के साथ में 60 फीट की गहराई में, जहाँ वो बच्चा एक छोटे से स्पेस में फंसा हुआ था, उसके साथ में उसके सहभागी थे एक सांप और एक मेंढक, ये भी उसके साथ थे। मैं जब इस बारे में जब मैं सोचता था तो रोंगटे खड़े हो जाते थे कि इन हालातों से हम उसको कैसे बचा पाएंगे। मैं आपके दर्शकों से भी ये कहना चाहूँगा कि जरा सोच के देखें कि एक बच्चा 4 दिनों तक एक छोटी सी स्पेस में, 7 फीट की गहराई में, जहाँ सिर्फ अंधेरा है, एक सांप के साथ पड़ा हुआ था। उसकी जीवटता ने हम सबको एक संदेश दिया और हमने ये तय किया कि जैसे भी हो। मैं आप सभी को ये जरूर बताना चाहूँगा कि स्थितियाँ काफ़ी विपरीत थीं, आशानुकूल परिस्थितियाँ बिल्कुल नहीं थी। कितना कठिन था पूरे के पूरे 60 फीट के चट्टानों को काटना, चट्टान इतने बड़े मास लेवल पे, ये सब सभी संभव हुआ। हमने जिन जिन से मदद मांगी, सब ने बेझिझक बिना समय गवाए सारे मदद हमको मुहैया कराए, ये बहुत बड़ी बात थी। और ये इस बात का द्योतक है कि कैसे समाज संकट के समय में एक साथ हो सकता है, कैसे प्रशासन अपने जिले के लोगों की मदद के लिए आ सकता है, कैसे एक प्रदेश का मुखिया, मुख्यमंत्री, वो पल प्रतिपल इन चीज़ों की निगरानी रख सकते हैं और हमसे ये कहते हैं कि आपको कोई ज़रूरत हो मुझे तत्काल बताएं, हम उनको अपनी ज़रूरतें बताते हैं और उसको तत्काल उपलब्ध कराते हैं। ये हम सब की जीत है, समाज की जीत है, आप सभी की जीत है। आप सभी लोग इस पूरे अभियान में साथ थे। मैं इस अवसर पर पूरी टीम को खासकर एनडीआरएफ की टीम को, एसडीआरएफ की टीम को, भारतीय सेना को, हमारे अलग अलग जगहों से जुड़े हुए सभी स्थानीय शासन के और इस गांव आसपास के लोग जिन्होंने
बेझिझक जो उनसे बन सकता था वो मदद दी, और इस मदद की सहायता से हम इस पूरे घटनाक्रम को जीत में बदलने में कामयाब हुए। मैं फिर से आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। सर, राहुल की स्थिति अभी है? राहुल की स्थिति, डॉक्टर से मैंने टनल के बाहर निकलते ही कहा, उसने कहा स्टेबल है, ठीक है, ही विल रिकवर पक्का, और बहुत अच्छे हालात में हमारे बीच में होगा। उसको जो बेस्ट से बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट है वो हम उपलब्ध करा रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमने 4-4 एम्बुलेंस सभी विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ में उसे रवाना किया है। अभी कहाँ? अभी उसका उसे हम सीधा बिलासपुर के अपोलो हॉस्पिटल में लेकर के जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। पूरा ऑपरेशन बहुत चैलेंजिंग था, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट सबका जॉइंट एफर्ट था, सबके एक्सपर्ट्स राय, सब चीज़ों को कंसिडरेशन करते हुए जिस तरीके से ऑपरेशन हुआ, आई थिंक फाइनली सक्सेस मिली और बच्चा सही सलामत निकला, वो यही सक्सेस हम सभी की इसमें। सर, कितना टफ था? काफ़ी टफ था, चट्टानों को काट काट के हर एक फीट काटने के लिए हमें कम से कम 3-3 घंटा लग जाता था, और बहुत डिलीबरेट होकर जाना पड़ा। टनल के टाइम में जो हमने एंटिसिपेट किया था 1 दिन में कर देंगे, उसमें 2-2.5 दिन लग गए, और अचानक से चट्टाने आती थी, उसको तोड़ना, निकालना, फिर रिमूव करना, साथ में इस चीज़ का ध्यान देना कि बच्चे को कहीं ड्रिल बिका या वाइब्रेशन का मिट्टी ना गिर जाए, तो बहुत चैलेंजिंग था। सर, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से आपको कॉल किया था, अभी कलेक्टर साहब आप लोग का बहुत थैंक यू कर रहे हैं। जी, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से फ्राइडे को हेडक्वार्टर कोसा में कॉल आया था हमारे कमांडर साहब को, एंड उसके बाद से ही हम लोग सक्रिय हुए थे। रात को करीबन 12:30 बजे हम लोग इधर आए, एंड सिचुएशन को देखा, पूरा अपना डिस्कशन हुआ, सब चीज़ें हुई, एंड सब्सिक्वेंटली आर्मी को फॉर्मली कल बुलाया गया, जब चीज़ें थोड़ी सी देखा कि सबका एफर्ट रिक्वायर्ड है, थोड़ा और इसमें पुश कराना पड़ेगा, एंड दैट इज़ ऑफ कर्नल पारेख भी आए हेडक्वार्टर कोसा से, एंड हमारी टीम जो है उसके साथ थोड़ा सा हमने और पुश किया, असिस्ट किया पूरे ऑपरेशन को, एंड दैट इज़ ऑफ वी अचीव द सक्सेस। सर, कितना बड़ा डिप्लॉयमेंट था आपका यहाँ पर? हमारे यहाँ पे करीबन 25 बंदे आए थे हेडक्वार्टर कोसा से, एंड टेंट में रह रहे हैं, एंड उसके बाद हमने बीच में सोचा था एक्सप्लोजिव लगाएंगे, काफ़ी अलग अलग चीज़ें हमने सोची थी। इम्प्रोवाइजेशन एफर्ट थोड़ा सा ठीक नहीं हुआ, बिकॉज बच्चा रिस्पॉन्सिव नहीं था, अगर वो रिस्पॉन्सिव होता आई एम श्योर हम 24 घंटे में ही जीत हासिल करते, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ऑपरेशन आप देख रहे हैं 4 दिन लंबा खिंच गया, बट वो कहते हैं ना ऑल इज़ वेल व्हेन दैट एंड्स वेल। सो इतना बताना चाहूँगा कि ऑपरेशन मेरे को इसके बारे में सैटरडे को पता चला, जबकि मेरे कमांडर ब्रिगेडियर विग्नेश मांती सेना मेडल ने मेरे को इसके लिए डिप्लॉय होने के लिए कहा। इनिशियली हमने सोचा था कि ऑपरेशन शायद आसान होगा, क्योंकि इस तरह के ऑपरेशन आर्मी पहले कर दिया ही है, लेकिन ये ऑपरेशन को देखने के बाद पता चला कि कितना चैलेंजिंग था। सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि चट्टाने थी और नॉर्मल मिट्टी नहीं थी, इस तरह के ऑपरेशन आर्मी ने किए हैं बिल्कुल, बट इस तरह का जो चैलेंजिंग वर्क था ये नहीं किया था, तो ये हमारे लिए एक एक्सपीरियंस है इंडियन आर्मी के लिए। साथ ही मैं ये बता देना चाहूँगा कि हमारा जिस तरह से हमारे हायर हेडक्वार्टर्स ने हमारा जिस तरह से साथ दिया इस पूरे ऑपरेशन के लिए, जिस तरह से हमारे पास मैन पावर भेजी और जिस तरह से हमें मोटिवेट करते रहे, स्पेशली द कमांडर कोसा, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पूरे कोसा हेडक्वार्टर का। साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगा, ये एक साझा प्रयास था NDRF, SDRF, इंडियन आर्मी, द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, इन सबका साझा प्रयास था, और सबको मैं धन्यवाद और शुक्रिया करना चाहूँगा कि एक बच्चे की आज जान हम बचा सके, और मैं अपने आप को काफ़ी गर्व फील कर रहा हूँ आज। आई एम वेरी प्राउड दैट वी हैव बीन एबल, वी हैव बीन अ पार्ट ऑफ ऑपरेशन जिसमें कि हम एक बच्चे की जान बचा पाए। थैंक यू जी। निश्चित रूप से ये बोरवेल की सबसे लंबी रेस्क्यू है, 100 घंटे से ज़्यादा चला। सबसे पहले तो उस बच्चे के जो आत्मबल है उसको मैं नमन करता हूँ, क्योंकि 5 दिनों तक वहाँ रहना और उसके बाद स्वस्थ निकलना, ये उसकी आत्मबल की पहचान है। उसके बाद जिन्होंने भी यहाँ मेहनत किया, चाहे जिला प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, राज्य सरकार की पहल हो, सेना के जवान हो, NDRF हो, SDRF हो, या विभिन्न यहाँ के सामाजिक संस्था, राजनैतिक व्यक्ति, विभिन्न ठेकेदार, जिन्होंने यहाँ संसाधन दिया और एक गरीब के बच्चा को बचाने के लिए 5 दिनों तक यहाँ मेहनत किए, आप लोग भी, पूरे मीडिया के लोग भी, पूरे 5 दिन तक ना धूप देखे, ना गर्मी देखे, ना कभी नींद लिए, ऐसे परिस्थिति में इस सफलता के लिए जिनकी हम सब लोग कल्पना कर रहे थे, जिसके लिए दुआ दे रहे थे, आज वो राहुल साहू हमारे बीच में स्वस्थ होकर के निकला। मैं सभी लोगों को हृदय से बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, और निश्चित रूप से ये सफलता आने वाले भविष्य में सभी लोगों के आत्मबल को बढ़ाएगा, आत्मविश्वास को बढ़ाएगा।